أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you students? Today the date is 6th May 2021 and the day is Thursday. Welcome in science lecture of class 1. Our today's task is page number 58-59 and bookwork of unit number 6. First of all, students, come on the page number 58. We are studying about using materials. Students, as you know that we are studying about the materials. Materials kya hote hain? Mawad. And there are two types of materials. नेचुरल मटेरियल एंड मैन मेड मटेरियल. यानी कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई होती हैं और कुछ चीज़ें इंसान ख़ुद अपने हाथों से बनाते हैं. अब इंसान जिन चीज़ों को बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को यूज़ करके क्या करते हैं? मैन मेड थिंग्स बनाते हैं. जैसे स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक पेंसिल है. ये क्या है? ये मैन मेड है, इंसान की बनाई हुई चीज़ है. लेकिन आप देख सकते हैं कि ये किस चीज़ से बनी है? ये वुड से बनी हुई है. ये आपको नज़र आ रही है, ये लकड़ी. यहाँ पे ये लकड़ी से बनाई गई पेंसिल है और लकड़ी अल्लाह ताला ने बनाई है, वो नेचुरल मटेरियल है. उस नेचुरल मटेरियल को यूज़ करते हुए इंसान ने ये मैन मेड मटेरियल्स बनाए हैं. इसी तरह से आपके सामने ये हैमर है, इसमें दो चीज़ें यूज़ हुई हैं. कौन कौन सी? वुड और आयरन. ये वुड और आयरन जो हैं ये दोनों नेचुरल मटेरियल्स हैं. इनको यूज़ करते हुए क्या हुआ है? इस हैमर को बनाया गया है जो कि ये मैन मेड मटेरियल बन गया है. इसी तरह स्टूडेंट्स, ये जो जैकेट है, ये जैकेट किस चीज़ से बनाई गई है? लेदर से, चमड़े के साथ, ठीक है. और ये चमड़ा कहाँ से आता है? ये जानवरों की खाल से मिलता है. तो जानवरों की खाल, ये क्या है? ये नेचुरल मटेरियल है और उसको यूज़ करते हुए इंसानों ने लेदर की जैकेट्स बनाई हैं जो कि मैन मेड मटेरियल में आती हैं. इस तरह स्टूडेंट्स, जो ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती हैं वो क्या हैं? ये हैं तो मैन मेड, लेकिन ये किन चीज़ों के साथ बनाई गई हैं? नेचुरल मटेरियल्स के साथ बनाई गई हैं. जैसे आपको ये नज़र आ रही है, ये मैन मेड है, लेकिन इसमें ये जो स्टोन्स यूज़ हुए हैं ये कहाँ से मिलते हैं? ये ज़ेरे ज़मीन मौजूद होते हैं, ज़मीन के नीचे, और उनको तराश कर ये कीमती पत्थर बनाए जाते हैं जिनके साथ ये ज्वेलरी बनती है. नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस बाउल. इट इज़ मेड ऑफ क्ले. ये किस चीज़ के साथ बना हुआ है? मिट्टी से. और क्ले जो है, इट इज़ अ नेचुरल मटेरियल. नेचुरल मटेरियल को यूज़ करके हमने क्या किया है? इस बाउल को बनाया है. एंड दिस इज़ अ मैन मेड मटेरियल. स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आप, वुड को यूज़ करते हुए इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं. जैसे ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये बैट बना हुआ है, और ये एक शिप है, कश्ती. तो ये तमाम चीज़ें किससे बनी हुई हैं? लकड़ी से. और लकड़ी क्या है? नेचुरल मटेरियल है. तो नेचुरल मटेरियल को यूज़ करते हुए इंसान बहुत सी मैन मेड थिंग्स बनाते हैं. जो बाल्टियाँ बनाई जाती हैं, बकेट्स वगैरह, ये किसके साथ बनाई जाती हैं? प्लास्टिक के साथ. और प्लास्टिक जो है ये मैन मेड मटेरियल है. और प्लास्टिक किसके साथ बनती है? ये नेचुरल मटेरियल ऑयल के साथ बनती है, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी इट इज़ अ ग्लास एंड दिस वन इज़ अ मिरर. दीज बोथ आर मैन मेड मटेरियल्स. ये दोनों जो हैं ये मैन मेड मटेरियल हैं. और ये किस चीज़ को इस्तेमाल करके बनाए गए हैं? ये जो नेचुरल रिसोर्स है, सैंड, रेत. रेत को यूज़ करते हुए ये मिरर्स और ये ग्लास वगैरह बनाए गए हैं. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये जो स्पून है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये मेटल का, यानी दहात जो अल्लाह ताला की बनाई हुई है ये उसके साथ बनाया गया है. इसी तरह ये एक प्लास्टिक का स्पून है, ये किसके साथ बनाया गया है? प्लास्टिक स्पून, प्लास्टिक के साथ बनाया गया है. और इसी तरह ये जो वुडन स्पून होता है, ये किसके साथ बनाया जाता है? लकड़ी के साथ. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 58 और 59 की एक्सप्लेनेशन मैंने कर दी है. अब आपने इन दोनों पेजेस की रीडिंग करनी है. नाउ इट्स टर्न ऑफ बुक वर्क. क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर को आपने चूज़ करना है. विच ऑफ़ दीज इज़ यूज टू मेक प्लास्टिक. इनमें से कौन सी चीज़ प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? सी ऑप्शन है ऑयल. ऑयल यानी तेल को इस्तेमाल करके हम प्लास्टिक बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ़ दीज इज़ अ नेचुरल मटेरियल. इनमें से कौन सा कुदरती मवाद है? ए ऑप्शन है वुड. लकड़ी जो है वो एक नेचुरल मटेरियल है. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ़ दीज इज़ अ मैन मेड थिंग. इनमें से कौन सी इंसान की बनाई हुई चीज़ है? सी ऑप्शन है ब्रिक, ईंट. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ़ दीज इज़ अ ग्रुप ऑफ अ हार्ड थिंग्स. इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो सख्त चीज़ों का एक ग्रुप है?
ए ऑप्शन है स्टोन, ब्रिक और वुड, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ़ दीज ऑब्जेक्ट्स इज़ स्मूथ, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमवार है, स्मूथ होती है। डी ऑप्शन है सैंड पेपर। नंबर 2 इज़, वाई डू यू थिंक टॉयज़ आर मेड ऑफ़ प्लास्टिक, वट वुड हैपन इफ़ दे वर मेड ऑफ़ ग्लास। जो टॉयज़ होते हैं, खिलौने, वो प्लास्टिक के साथ क्यों बनाए जाते हैं, अगर वो मिरर के साथ या शीशे के साथ बनाए जाएँ तो क्या होगा। इसके आंसर्स आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं, दे आर मेड ऑफ़ प्लास्टिक, ये जो टॉयज़ हैं ये प्लास्टिक के साथ बनाए जाते हैं, बिकॉज इट इज़ चीपर, लाइटर एंड मोर ड्यूरेबल देन ग्लास, एंड ग्लास कैन हर्ट अस। ये जो प्लास्टिक होती है ये बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, हल्की होती है और ये ज़्यादा ड्यूरेबल होती है ग्लास की निस्बत, और ये जो ग्लास होता है ये टूट सकता है और ये टूट कर हमें हर्ट कर सकता है, ज़ख्मी कर सकता है। इस वजह से जो टॉयज़ होते हैं वो प्लास्टिक के साथ बनाए जा सकते हैं ताकि वो ज़्यादा स्टे कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3, राइट दीज वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम्स इन द टेबल। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपने करेक्ट कॉलम्स में लिखना है, यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ मैन मेड थिंग है और कौन सी नेचुरल थिंग है। आप देख सकते हैं, कार जो है, कार इंसान की बनाई हुई चीज़ है, इसलिए इसको फर्स्ट कॉलम में लिख लिया। बुक जो है ये मैन मेड है, बेंगल चूड़ियाँ जो होती हैं ये मैन मेड हैं, पेंसिल मैन मेड है, इसके अलावा स्टोन, कैट, रेन, वुड, ग्रास और माउंटेन, ये क्या हैं, ये नेचुरल मटेरियल्स हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से जौन सी चीज़ें सॉफ्ट होंगी उन पे आपने ग्रीन सर्कल लगाना है, और जौन सी हार्ड थिंग्स हैं उन पे आपने रेड सर्कल लगाना है। ये जो डोर है, डोर हार्ड होता है ना, सख्त होता है, इसलिए हमने इस पर रेड सर्कल या रेड टिक लगाया है। कॉम, ये भी हार्ड होती है, इसके अलावा ये टीन और बुक, ये भी दोनों हार्ड होते हैं, इसलिए इन पर रेड मार्क किया गया है। इसके अलावा ये मोफरल, ये कैप और ये सॉक्स और ये पिलोज़, ये तमाम जो हैं ये सॉफ्ट मटेरियल हैं, इसलिए इन पर ग्रीन मार्क किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से जौन सी लिविंग थिंग्स हैं उनको आपने फर्स्ट कॉलम में लिखना है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको आपने सेकंड कॉलम में लिखना है। आप देख लें, लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, मंकी, मिस्टर खान, आंट, बुश, बुश एक प्लांट है ना, तो प्लांट क्या होते हैं, वो लिविंग थिंग्स होते हैं। ट्विग भी, ट्विग क्या होती है, झाड़ी होती है, ये भी एक जो है वो लिविंग थिंग है। पोटैटो, फ्रेंड, बेटल और लेग, ये तमाम जो हैं ये लिविंग थिंग्स हैं। इसके अलावा जो चेयर है, पेंसिल है, नाइफ, छुरी, स्टैम्प है, कप है या स्टार है, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ एक लाइन में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से जौन सा ओड वन है उस पर आपने सर्कल लगाना है। जैसे ट्री, आंट, स्टोन, बॉय और ग्रास में से स्टोन पर सर्कल लगाया गया है, क्योंकि ये तमाम जो हैं बाकी ये लिविंग थिंग्स हैं और स्टोन जो है वो लिविंग थिंग नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, मैन, फ्लावर, कैट, टोमेटो एंड पेंसिल, इनमें से तमाम चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं लेकिन पेंसिल जो है ये लिविंग थिंग नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन 2 में बैटल, क्वेश्चन 3 में ट्रेन और क्वेश्चन 4 में रोक, ये जो हैं ये ओड वन हैं और इन पे आपने सर्कल लगा देना है। नोट डाउन द डायरी, स्टूडेंट्स मस्ट रीड द पेज नंबर 58 एंड 59 एंड लर्न द बुक वर्क। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके लिए एक टास्क है, होम असेसमेंट है, आपने ये अपने रफ रजिस्टर्स पे लिखना है कि चेयर को बनाने के लिए कौन कौन से मैन मेड और कौन कौन से नेचुरल मटेरियल्स यूज़ होते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज़।